हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम सोनभद्र ज़िले में स्थित धंधरौल डैम के पास में हैं। और दोस्तों, आज का हमारा जो यह जो वीडियो है धंधरौल डैम पर डेडिकेटेड है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धंधरौल डैम के बारे में। दोस्तों, इसका नाम धंधरौल डैम या फिर धंधरौल डैम दोनों हैं। और दोस्तों, इसका निर्माण सन 1917 में किया गया था। और अगर दूरी की बात की जाए तो धंधरौल डैम जो है रॉबर्ट्सगंज से लगभग 23 किलोमीटर के आसपास है इसकी दूरी। और धंधरौल डैम के पास में ही विजयगढ़ का किला भी है, जो कि यहाँ से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा बनारस से इसकी दूरी लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, इस डैम को घाघर नदी पर बनाया गया था। और इस डैम को बनाने का मुख्य कारण था सिंचाई का काम। और इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज या आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। और इसके अलावा दोस्तों, इसके पानी की आपूर्ति अगल बगल के दो तीन जिलों में भी की जाती थी, जैसे कि सोनभद्र में, चंदौली में, मिर्ज़ापुर में इसके पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप डैम की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यह सोनभद्र का बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यह सोनभद्र का बहुत ही विशालकाय सबसे बड़ा डैम है। और इसके अलावा दोस्तों, इस डैम की विशेषता यह है कि यह डैम हूवर डैम की तरह लगता है, जो कि नेवादा USA में है। एकदम हूबहू उसके जैसा ही लगता है, बस उसके जैसी हाइट नहीं है। और दोस्तों, यह जो डैम है एक पहाड़ की घाटी पर बनाई गई है। और इसके आसपास में घने जंगल और घने पेड़ पौधे हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, साथ में हमने अपना ड्रोन लेके गया हुआ था, और ड्रोन से हम आपको इस डैम की खूबसूरती को दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने घने जंगलों के बीच में यह डैम है। और ऊपर से देखने में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, हम ड्रोन के माध्यम से ही आपको डैम के चारों तरफ का नज़ारा भी दिखाते हैं। यह डैम के ठीक सामने रास्ता, जो कि विजयगढ़ की तरफ चला जाता है, और विजयगढ़ का जो पहाड़ है बेहद ही ऊंचा है। इस समय वीडियो में साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है धुंध की वजह से, लेकिन बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप धंधरौल डैम आते हैं तो यहाँ से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर विजयगढ़ का किला है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर कि नौगढ़ विजयगढ़ और चुनार से रिलेटेड चंद्रकांता की सीरियल बनाई गई थी। और दोस्तों, यह जो डैम था 1917 में अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जो कि बेहद ही लाजवाब था, उस समय लाजवाब प्रोजेक्ट था। दोस्तों, आप सामने ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जहाँ से कि पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और इसी ऑब्जेक्ट से, इसी मशीन से होकर के पाइप के माध्यम से पानी शहर की तरफ सप्लाई की जाती है। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो धंधरौल डैम तो घूम ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सोनभद्र में मारकुंडी पहाड़ के पास, वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर मिनी वैष्णो देवी घूम सकते हैं। इसके अलावा चुड़ियर देवी मंदिर घूम सकते हैं, और मारकुंडी जो पहाड़ है वो खुद भी घूम सकते हैं। विजयगढ़ का किला भी घूम सकते हैं। इसके अलावा आप मंगलेश्वर महादेव घूम सकते हैं, और उस मंदिर पर आप दो माध्यम से जा सकते हैं, या फिर बाई रोड या फिर ट्रैकिंग के माध्यम से भी जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फिट हैं तो आप ट्रैकिंग करके जाइए, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा सोन नदी भी आप घूम सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल एंडलेस जर्नी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हम ऐसे ही ढेर सारे ट्रैवलिंग वीडियोस दिखा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।